टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम, ये भी मास एम है और ये भी मास एम है, ज्वाइन टुगेदर, ये स्प्रिंग जो है क्या है, मासलेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस, मतलब कि फ्रिक्शन जो है छोटू एफ जीरो है. इफ द ब्लॉक ए मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी इज, इसका एक्सेलरेशन जो है कितना है, ए नॉट है, यस और नो? अच्छा ध्यान से देखिए, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय टू एम, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, या फिर एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा, यस और नो? तो अब ध्यान से समझिए, जब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास हमको पता है तो हम लिख सकते हैं क्या, एफ बाय टू एम इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन इधर है ए नॉट, क्लियर है क्या? तो मास इंटू ए नॉट प्लस एम इंटू, लेट अस से इसका एक्सेलरेशन है ए, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय टू एम, क्लियर है क्या? इज ऑन नो? एफ इज इक्वल टू एम ए नॉट प्लस एम ए, ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम ए नॉट अपॉन एम, विच इज इक्वल टू एफ बाई एम माइनस ए नॉट, यस और नो? कोई दिक्कत? ये हो गया मेथड वन, ये क्या हो गया, मेथड वन से कर रहे हैं. दूसरा मेथड ठीक है, मेथड टू, सेकेंड मेथड से कर रहे हैं. ध्यान से देखिए, इसमें जो है इसका एक्सेलरेशन है कितना, ए नॉट है ना, तो इसका मतलब कि स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एम इंटू ए नॉट होगा, एम इंटू ए नॉट. तो जब स्प्रिंग जो है इसको ऐसे कर रहा है तो इधर इधर लगाएगा एम ए नॉट, फोर्स स्प्रिंग कितना हो जाएगा, एम ए नॉट. अब इसका एफ बी डी बना लीजिए, ये एम का एफ इधर लग रहा है, एम ए नॉट इधर है, तो एफ माइनस एम ए नॉट डिवाइडेड बाय एम, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन स्प्रिंग, इसका एफ बाय एम माइनस ए नॉट. आगे समझ में, कोई दिक्कत?